एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पे अनसीन फिटनेस विजन पे, जिसमें मैं आप लोगों के लिए नई एक्सरसाइजेस और जो भी मेरे भाई बिगिनर है उनके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है। तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लेना कोई भी मेरे भाई चैनल पे नया है। तो आज का जो वर्कआउट रहने वाला है वो करेंगे हम ऐप से रिलेटेड, आपका कोर किस तरीके से ट्रेन कर सकते हो घर के अंदर उस पर आज डिस्कशन करेंगे, और साथ साथ आप लोगों को चार एक्सरसाइजेस जो रहने वाली हैं वो करके दिखाऊंगा। होम बेस्ड वर्कआउट रहेंगे तो प्लीज अपडेट जरूर करना, एड ऑन जरूर करना अपने एप्स वर्कआउट के रूटीन में। तो चलो बट मेन एक्सरसाइज पर जाने से पहले अपना वार्म अप जरूर कर लें ताकि आपकी ब्रीथ, ताकि आपका हार्ट बीट, आपका मसल वार्म अप में आ जाए। तो चलो चलते हैं अपनी फर्स्ट एक्सरसाइज पे। गाइस अपनी जो फर्स्ट एक्सरसाइज रहने वाली है एब्स को ट्रेन करने के लिए करेंगे एयर क्रंचेस। अब किस तरीके से इसकी वेरिएशन रहेगी, किस तरीके से रेंज ऑफ मोशन रहेगा, कौन सी आपकी ज्यादा से ज्यादा मसल आपकी ट्रेन होगी उससे बात करेंगे। बट अगर आप बिगनर हो तो इसके कम रेपिटेशन लेना, अदरवाइज आप लोगों को जब पेन होगा फर्स्ट यानी कि इनिशियल डेज पे तो आप लोगों को हो सकता है बहुत ज्यादा पेन हो और आप फिर डिमोटिवेट हो जाए कि यार ये तो बहुत ज्यादा पेन हो रहा है। तो पेन होगा कोई भी नहीं एक्सरसाइज करोगे तो, अगर आप इनिशियल स्टेज पर हो तो। चलो एयर क्रंचेस करेंगे, इस तरीके से पैरों पर रख लेना है अपने स्टेबल। अब आपको अगर स्ट्रेंथ नहीं है तो कोई भी ऐसा बेंच रख सकते हैं या स्टूल रख सकते हैं, बेड पे इस तरीके से पैर को रख सकते हैं और सिंपल इस तरीके ब्रीदिंग 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 breathe in breathe in breathe in इस तरीके से। जब यहां पे आना है आप लोगों ने तो अच्छे से हिट यानी कि इस तरीके से नाउ स्क्वीज। तो चलो इस तरीके से आप लोगों को इसके लेने हैं चार सेट। अब चार सेट पे कितने रेपिटेशन लेने हैं वो आप लोगों को ध्यान रखना है, कम से कम को 20 रेपिटेशन लेने हैं और चार सेट लें ताकि आपके एटलीस्ट 70-80 रेपिटेशन निकले और आप लोगों को बहुत अच्छे से इम्पैक्ट आए। तो चलो चलते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज पे ऐप से रिलेटेड, बट कोशिश करें कि जिस तरीके से मैंने करके दिखाई ये सेम टू सेम एडअप करें अपने रूटीन में। चलो तो गाइस अपनी जो सेकंड एक्सरसाइज रहने वाली है साइड ऑब्लिक्स को किस तरीके से ट्रेन करेंगे, ये वाले बहुत कम लोग इस पे ज्यादा इंपैक्ट्स डालने की कोशिश करते हैं क्योंकि सब लोगों को क्या होता है पेन ज्यादा होता है और इतने वेरिएशंस का आइडियाज नहीं होते हैं। तो जो नए नए आइडियाज है वो आप लोगों तक मेरे लिए बहुत जरूरी होता है लेकर आना अपने चैनल के थ्रू। तो चलो ये जो एक्सरसाइज रहने वाली है ये आपके ऑब्लिक्स को ट्रेन करेंगे बहुत अच्छे से। कोई इक्विपमेंट की जरूरत नहीं है, कोई डंबल प्लेट रॉड कोई जरूरत नहीं है, सिंपल है अपने बॉडी वेट से आपको अच्छे से हिट करने अपने ऑब्लिक्स को। तो इस तरीके से पोजीशन ले लेना आप लोगों ने, इस तरीके से हाथों को इस तरीके से रखना है अपने एल्बोज को कोशिश करें कि टच करें अपने नीज को एल्बोज से ताकि और अच्छे से स्ट्रेच आए इस तरीके से। जब भी आप एक तरफ बैंड होगे तो दूसरी साइड का आपका स्ट्रेच बहुत अच्छे से आएगा, आप फील कर पाओगे कि हाँ सेकंड साइड वाला यानी कि अदर साइड वाला आपका स्ट्रेच हो रहा है बहुत अच्छे से। तो कोशिश करें कि 25 और 25 यानी कि टोटल हो जाएंगे आपके 50 एक सेट में, तो तीन सेट लेने हैं 150 रेपिटेशन हो जाएंगे। बेस्ट वेरिएशन है करके देखना बहुत अच्छे से, आपके ऑब्लिक्स की जो मसल रहेगी वो बहुत 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 बढ़िया तरीके से ट्रेन कर पाओगे। चलो चलते हैं अपनी थर्ड और नेक्स्ट एक्सरसाइज पे जिसपे आपको एब्स से रिलेटेड एक्सरसाइज बताएंगे। चलो अपनी जो थर्ड एक्सरसाइज रहने वाली है वो करेंगे लैग रेज। बट लैग रेज मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है ये जो वेरिएशन रहने वाला है वो बहुत बहुत डिफरेंट रहने वाला है और यूनिक रहने वाला है। इसमें आपका पूरा कोर इंगेज रहेगा और मोस्टली जो रहने वाला इंगेज आपका लोअर एब्स वाला जो पार्ट रहेगा और कहीं ना कहीं आपका जो बेली भी इसमें इंगेज रहने वाला है। तो कोशिश करें जिस तरीके से मैं ये एक्सरसाइज आपको करके दिखाने वाला हूँ सेम टू सेम करें। कोई आपको अगर मैंने प्लेट लिया हुआ है तो जरूरी नहीं है आप प्लेट लिए, कोई बोतल हो पानी की ब्रेक्स हो उसका यूटिलाइजेशन जरूरी करें क्योंकि अगर आप वेट रखेंगे अपने एक्सरसाइज में इंक्लूड करेंगे तो आपका जो कोर भी रहेगा ना और अपर वाला जो एब्स भी रहेगा उससे बहुत अच्छे से इंपैक्ट आएगा, ट्रस्ट करना। तो चलो इसके सेट जो रहने वाले हैं आप लोगों को एटलीस्ट 20 रेपिटेशन रहेंगे या फिर अगर आपकी स्ट्रेंथ अच्छी है तो 25 भी ले सकते हो ताकि आप चार सेट में 100 रेपिटेशन करें और बेस्ट वेरिएशन आएगा। तो चलो करेंगे किस तरीके से वो आपके साथ में करते वक्त यानी कि प्रैक्टिकली करते वक्त आपको दिखाता रहूंगा और बोलता रहूंगा। तो इस तरीके से आपको रखना है ये, कहीं ना कहीं आपका जो वेट रहेगा वो थोड़ा सा लोअर बैक पे इंपैक्ट हो जाएगा और
ये ब्रीद इन, यहां पे ब्रीद आउट, ब्रीद इन, आपका एब्स रहेगा क्रंचेस वाला जो आप कभी भी एक्सरसाइज करते हो तो वो यहां पे हमेशा इंपैक्ट करेगा, ये इंगेज है आप। और जब पैरों से आप अप डाउन कर रहे हो तो उससे क्या है लोअर जो आपके एब्स है उनको इंगेज कर रहे हो। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, इस तरीके से करना, मतलब लाजवाब तरीके से आप अपना पूरा अपर से लेके डाउन तक सारा जो आपका एब्स का जो पार्ट है वो इंगेज करके रखोगे बहुत बहुत बेहतरीन तरीके से। तो चलो रेपिटेशंस मैंने बता दिए हैं, सेट इसके चार लेने हैं पर सेट पे एटलीस्ट आपको 25 रेपिटेशन लेने हैं, चारों सेट्स में आप लोगों के हो जाएंगे 100 रेपिटेशन। चलो चलते अपनी लास्ट और फोर्थ एक्सरसाइज पे, एब्स को लास्ट और फाइनल एक्सरसाइज रहने वाली है, आपके पूरे कोर को ट्रेन करने में बहुत मदद मिलने वाली है। ये जो एक्सरसाइज का नाम है प्लैंक, बहुत कम लोग करते हैं, मुझे पता है मैं खुद भी भाग जाता हूँ, स्केप करता हूँ ये एक्सरसाइज, तो आज मेरे को गुरुजी ने पकड़ लिया और बोल रहे हैं कि भाई तू ये वाली एक्सरसाइज बता, बहुत टाइम हो गया है, अपने सब्सक्राइबर्स को बताना है ज़रूरी। अच्छी अच्छी चीज़ें भले ही वो कितनी हार्ड हो कितनी टफ हो वाली जो चीज़ें हैं उनसे स्केप करोगे तो कैसे डेवलपमेंट होगा। तो चलो जो मेरा भाई ये वाली एक्सरसाइज अपडेट नहीं करता है मेरी तरह तो आज से अपडेट करना स्टार्ट कर दे, क्योंकि बहुत बेहतरीन और बहुत ही बढ़िया रिजल्ट्स मिलने वाले हैं आप लोगों को इस पे। इसको कहते हैं प्लैंक, अप्लाई करने के बहुत सारे तरीके हैं, लोगों को गलत करने के तरीके बहुत हैं, बट अच्छे से करने के तरीका मैं बता रहा हूँ आज, तो ज़रूर अपडेट करना। इस तरीके से रहेगा आपका पूरा बॉडी वेट वो बनेंगे। तो चलो इस तरीके से आपको बेस्ट अप रखनी है, हाथ को इस तरीके से रखना है, कुछ लोग होते हैं कि यहाँ पे भी ज्वाइंट कर लेते हैं कोई दिक्कत नहीं है। ब्रीद इन अपना अच्छे से रखना है, ब्रीद इन के ऊपर आपका कंट्रोल करना है, मसल जो कनेक्ट रहेगा उसको जरूर रखना है। ब्रीद इन ब्रीद आउट कम से कम 60 सेकंड रखना है, बहुत सारे लोगों की स्ट्रेंथ बहुत अच्छी होती है, बहुत सारे लोगों की स्ट्रेंथ बहुत कम होती है, बट कोशिश करना है कि अपने आप को लिमिट से ऊपर लेकर जाएं ताकि और अच्छे से आपको इम्पैक्ट्स बनेंगे। तो चलो कम से कम 1 मिनट लेना है, मैं कर लेता हूं। जो कोर रहेगा ना पूरा लोअर एब्स से लेके अपर एब्स तक पूरा बहुत अच्छे से आपको इंपैक्ट करेगा, इस तरीके से करना। किसी की अगर स्ट्रेंथ कम है तो ऑब्वियसली वो 1 मिनट को ले नहीं पाएगा, 10 सेकंड ले, 20 सेकंड ले, 25 सेकंड ले, 30 सेकंड ले, जितना आप तक ले सकते हो जितना तक उतना कंट्रोल कर कर लेना है अच्छे से, जितना आप अपने आप को एक बाउंड्री से आगे लेकर जाओगे आप लोगों की स्ट्रेंथ बहुत अच्छी बनेगी, आपका जो कोर बनेगा ना दिमाग में एक्सपीरियंस बहुत अच्छा आप शेयर कर पाओगे दूसरों को भी, जैसे मैं कर लेता हूँ कभी कभी। तो चलो ये थी 4 एक्सरसाइजेस आज आप लोगों के लिए, ऐप से रिलेटेड कॉमेंट भी आए हुए थे कि भैया ऐप से रिलेटेड बताओ यार कोई एक्सरसाइजेस, तो चलो ये बेस्ट वेरिएशंस वाली एक्सरसाइजेस थी, 2 एक्सरसाइजेस में मेरे गुरुजी ने बताई है कि ये वाली बता भाई, ये बहुत कम लोग करते हैं और सच में बहुत कम करते हैं, मैं भी बहुत ही कम करता हूँ। तो चलो सेट पे एटलीस्ट 10 20 25 जितना आप ले सकते हैं सेकेंड उतना लेना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में नई एक्सरसाइजेस के साथ और ढेर सारी मोटिवेशन और बातों के साथ। टिल देन अपना ख्याल रखें और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। चलो टेक केयर, बाय बाय।